अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मैं बना रही हूँ आपके लिए चिकन टिक्का, जो होगा इंतहाई जूसी, इंतहाई मज़ेदार, विदाउट ओवन, विदाउट ग्रिल, इन योर पैन, आपके किचन में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है जी, ये 1.25 कप दही है मेरे पास, थोड़ा सा पतला है, और इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो सबसे पहले हम दही में डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट अपना, और साथ हम बाकी मसाले भी ऐड कर देते हैं इसमें, जो मैंने आपको बताए हैं। ये सारे मसाले ऐड करके आप इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए, इसको अच्छा सा बीट कर लीजिए, दही को इसको स्मूथ कर लीजिए। ये दही का वो मिक्सचर है जिससे हम अपने लेग पीसेस को जो है वो मैरिनेट करेंगे। तो हम अब अपने लेग पीसेस ले लेते हैं। मेरे पास 2 पीसेस हैं और जिनके ऊपर मैंने कट्स लगा लिए हैं, तो इसको हम दही के साथ मैरिनेट कर देंगे। दही आप डाल दीजिए इनके ऊपर, सारा दही डलेगा भी नहीं, तो ये जो है आप इसको अच्छी तरह से इसमें मसाला लगा के चिकन पीसेस को, और तकरीबन 15 मिनट के लिए रखेंगे, ज़्यादा देर मैरिनेट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको अच्छा सा मसाला लगा के और इसको आप तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। आप 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम हो, कोई ऐसा इशू नहीं है तो आपने ही कर दिया। अब हमने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है जिसके अंदर हम अपने लेग पीसेस डालेंगे, और हल्की आंच पे, इंतहाई हल्की आंच पे हमने कढ़ाई डाल दी है, और हम सारा मसाला भी इसके अंदर डाल देंगे, और हम अपने चिकन के पीसेस भी अपने बीच में हमने रख दिए हैं। और अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पे पकाएंगे, और साथ साथ जो है हम देखते भी रहेंगे कि साथ थोड़ी बाद कि ये कहीं नीचे लग तो नहीं रहा। हल्की आंच रखें, कोई पानी, कोई ऑयल, कुछ नहीं डालना, और इसको कवर करके हम रख दिया है। तो ये तकरीबन कोई 15 मिनट बाद मैंने चेक किया है, बीच बीच में चेक करती रही हूँ, और ये गल चुका है चिकन, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, और मसाला थोड़ा सा पड़ा हुआ है। ये मसाला भी इंतहाई मज़ेदार होगा और बहुत काम आएगा। तो हमने एक फ्राइंग पैन लिया है नॉनस्टिक अपना, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बहुत थोड़ा सा ऑयल, और उसमें हम अपने ये चिकन पीसेस जो हैं वो डाल देंगे दोनों, और इनको हम फ्राई करेंगे हल्की आंच पे, इनफैक्ट दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे, क्योंकि अब ये कुक हो चुके हैं और अब हमने इनको सिर्फ कलर देना है। तो इनको अच्छा सा हम फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। ये मसाला जो आपको बचा हुआ नज़र आ रहा है कढ़ाई में, ये भी हमारे काम आएगा। हम इसको बाद में दही में ऐड करके और इसके टिक्के के साथ हम सर्व करेंगे, तो बहुत मज़ेदार ये बन जाती है रायता सा। तो ये हमारा चिकन जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है, दोनों साइड से फ्राई हो चुका है, कलर भी आ गया है बहुत खूबसूरत सा। तो अब हम इसको अपने निकाल लेते हैं और अब हम इसको करेंगे सर्व, और ये हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है, सर्व कर देते हैं। ये देखिए जी, और ये हमारे पास बाकी छोटे छोटे पीसेस है बच्चों के लिए, वो मैंने वो भी फ्राई कर लिए थे, और ये देखिए जी बिल्कुल रेडी है। होपफुली आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आए, ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।